Let's move on to second paragraph and let's first discuss meanings of difficult words from this paragraph. First word is prior. Prior means earlier in time, which means pehle. Second word is customary. Customary means commonly used or practised, which means rivaj. And third word is thoroughly, which means completely or properly Urdu mein se. Hum kehenge, Fourth word is accidentally, which means unexpectedly. Urdu mein Fifth word is encouraged, which means promote, yani Sixth word is warding off, which means turn away, prevent, ya Now let's look at the explanation of this paragraph.

इनका मानना होता है कि अगर घर में कोई पिछले साल का बैड लक है उसको ये साफ़ करके बाहर निकालते हैं और सफ़ाई न्यू ईयर के दिन से पहले पहले क्यों ख़त्म करनी होती है ताकि ये कहीं हादसाती तौर पर जो गुड लक इन्होंने रिसीव करना होता है न्यू ईयर पे उसको बाहर ना फेंकते क्योंकि ये लोग चाइनीज़ न्यू ईयर इसलिए मनाते हैं ताकि पूरे साल के लिए गुड लक रिसीव कर सकें एंड देन ये लोग नए कपड़े पहनते हैं कपड़े पहनने के लिए अगेन देर आर टर्म्स एंड कंडीशंस दे आर नॉट अलाउड टू वेयर ब्लैक कलर वाई बिकॉज अकॉर्डिंग टू चाइनीज बिलीफ एंड नोशन ब्लैक कलर इज एसोसिएटेड विद डेथ उनका मानना यह होता है कि ब्लैक कलर मौत से मुंसलिक है दे इनकरेज वेयरिंग रेड कलर रेड कलर को पहनना सराहा जाता है क्योंकि इनके अकॉर्डिंग रेड कलर बदरूहों को भगाता है दूर रखता है